हेलो एवरीवन, मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स को सहनाज किचन में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं एक नई तरह की रेसिपी के साथ आई हूँ। ये रेसिपी है 3 तरह की चटनी। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग के बहुत काम आने वाले हैं और मैं बनाना आप लोग को सिखाऊंगी। आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आज की रेसिपी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और ये चटनी है 3 तरह की, वो होते हैं एक नारियल की चटनी और हरी मिर्च लहसुन की चटनी और सूखी मिर्ची की चटनी। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी नारियल की चटनी। ये इस तरह का आप काट लेंगे, किसी भी आकार में आप काट सकते हैं। और उसमें मैं डालूंगी गार्लिक, अंदाज से डालूंगी, जितने नारियल है उसी हिसाब से डालूंगी। और उसमें थोड़ा धनिया पत्ती डालेंगे, थोड़ा हरी मिर्च डालेंगे। वैसे तो बहुत हैं जो अदरक भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। फिर मैं बनाऊंगी हरी मिर्च की चटनी। ये एक्चुअली में बनेगा लहसुन से, लहसुन में कुछ हरी मिर्च गिरकर बनेंगे नमक के साथ, और सूखी मिर्च की चटनी। ये चटनी बनाने के लिए मुझे इसे फ्राई करना पड़ेगा, लेकिन इसे फ्राई करने के पहले थोड़ा आप इसे क्रैक कर लेंगे, थोड़े बस। अब चलते हैं चूल्हे के पास। सबसे पहले आप गैस में एक पैन चढ़ाएंगे, फिर इसमें कुछ ऑयल डालेंगे, हल्का सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अब मैं इतना सारा, देखिए सूखी मिर्च ली हूँ इतना सारा, करीबन 1 कटोरी होगी। अब मैं इसे इसमें डालती हूँ, इसे थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे। इसे थोड़ा क्रैक कर लेंगे, नहीं तो ये फटने लगेंगे। इसी तरह फ्राई करेंगे इसे। आप लोग एक बार इसे बनाकर देखिए कितने मजेदार लगते हैं। पराठा के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं, या कोई स्नैक्स के साथ भी, समोसे वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। ज़्यादा तेज आंच में इसे नहीं बनाएंगे, मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे, जैसा ये जलेंगे नहीं। अब देखिए ये हो चुके हैं, बस इतना ही करना है। अब इसे पैन में आप छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और कड़क हो जाए। उसके बाद मैं आपको दूसरा नारियल की चटनी का दिखाती हूँ। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ नारियल की चटनी किस तरह बनाते हैं। मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही आपको दिखाती हूँ। ये मैं ली हूँ 1 कटोरी पूरा भर के नारियल, उसमें मैं डालूंगी 6 या 7 लहसुन, थोड़े नमक, आपके हिसाब से आप नमक डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, ज़्यादा तेज नहीं करना है मुझे, और धनिया की पत्ती। आप इसे एक बार बनाकर देखिए। हमेशा सब तो नारियल में अदरक लहसुन ये सब डालकर बनाते हैं, लेकिन मैं एक बार ट्रायल की थी धनिया की पत्ती डालकर, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसी के लिए आप लोग के साथ मैं शेयर करना पसंद करी। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। ये ग्राइंड हो चुके हैं इस तरह से, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। रोज आप इस तरह का चटनी बना के खा सकते हैं, लेकिन जब डोसा इडली ये सब खानी है तो मैं इसमें तड़का लगाना ज़रूरी है। नारियल की चटनी में आप लोग को दिखा दी, अब मैं दिखाती हूँ लहसुन की चटनी। आप जितना भी लहसुन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं। थोड़े बचा कर रखती हूँ सूखी मिर्च का जो बनाऊंगी उसके लिए। अब देखिए इतना सारा मैं ली हूँ, करीब 3-4 लहसुन हैं वो मैं ली हूँ। उसमें ग्रीन चिली डालेंगे इतना सा, 10-15 बस। फिर मैं इसमें सॉल्ट डालती हूँ। आप मैं इसे फिर से ग्राइंड करूंगा।
देखिए इतना सा पीसना है इसे, थोड़ा दरदरा सा होगा और ज़्यादा चिकना भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, लहसुन और हरी मिर्च को कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे और ये फ्रीज में 2-3 दिन आपके चले जाएंगे। मैं आप इसे निकालती हूँ और इसका मेन एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, इसे तंदूरी के साथ भी आप खा सकते हैं, इसमें पानी यूज़ नहीं करेंगे नहीं तो ये दूसरे दिन ही ख़राब हो जाएंगे। कबाब के साथ, तंदूरी, किसी भी पराठे के साथ हमारे घर में तो आए दिन बनते रहते हैं। अब मैं इसमें एक चीज़ डालूँगी जो 2-3 दिन रह सकते हैं, वो होता है सरसों के तेल, पूरे कच्चे डालेंगे। और थोड़ा डालो, देखिए इस तरह, और भी तेल आप डाल सकते हैं इसमें। इसमें मैं नमक भी डाल चुकी हूँ, ये भी हो गए। अब सूखी मिर्ची का दिखाती हूँ। मैं फिर से एक बार बोल दे रही हूँ ना, ये लहसुन का चटनी बनाने के पहले इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि 2-3 दिन टिक जाएंगे, और इसमें सरसों की तेल डालेंगे। सूखी मिर्ची जो मैं ली हूँ ये बाजार में मिलते हैं, ये तेज नहीं होते हैं, 2 किस्म के मिलते हैं, एक बहुत ही तेज होते हैं और एक कम, तो मैं ये कम वाला ली हूँ। इसे मैं एक कटोरी ली हूँ। अब इसमें लहसुन आपके हिसाब से आप जितना भी डाल सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। मैं डाली हूँ 20 लहसुन के कलियाँ। अब मैं इसमें डालूंगी नमक पूरा भर के, एक टीस्पून। अब इसे भी हम चला लेंगे। अब देखिए ये ग्राइंडर हो चुके हैं, इस तरह का करेंगे आप। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब कोई भी दुकान में मांग सकते हैं, बिना तेज वाला मिर्ची दीजिए, वो देंगे आपको। इसको पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के चीज स्नैक्स के साथ भी आप खा सकते हैं, जैसे आपको समोसा खाना है ये, और इसमें आप लहसुन ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और इस सबको फ्रीज में आप रख सकते हैं, ये तो पूरा 1 महीना रह जाएंगे फ्रीज में, रेड चिल्ली का जो है, और ये लहसुन और हरी मिर्च का जो है ये 2 या 3 दिन रहेंगे मैक्सिमम। अब मैं इसमें डालूंगी सरसों के तेल, इसमें थोड़ा ज़्यादा गिरेगा सरसों, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर से नमक चीख लेंगे, जब कम बेसी लगे तो आप डाल सकते हैं। ये भी बन गए, इसे पूरा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये चटनी 3 तरह की है, एक नारियल की, एक लहसुन की, एक लाल सूखी मिर्ची की। वाह, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, ये तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहे हैं। और ये किसी ने मुझे फरमाइश किए थे, इसी के लिए मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप लोग को कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हमेशा के तेरा खुश रहिए, आबाद रहिए।